हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा लेक्चर है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे, और उसमें का मेरा सब टॉपिक है नेटवर्किंग के ऊपर। तो आज हम लोग देखेंगे नेटवर्क डायग्राम। मैंने एक इसके ऊपर और एक लेक्चर लिया है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है ऑन द नेटवर्क डायग्राम के ऊपर। सो देखिए, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, मैं 8 में क्वेश्चन नंबर 7A में फॉर 10 मार्क्स के लिए। सब में क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट कंप्राइजिंग ऑफ द एक्टिविटी बी सी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू सच दैट द फॉलोइंग प्रीसीडेंस रिलेशनशिप आर सर्टिफाइज। ओके, तो यहाँ पे दिया है बी लेस देन ई कॉमा एफ, ओके देन कॉमा, ओके सी कॉमा एफ लेस देन जी, ओके सेमी कॉलन, देन सी लेस देन एल सेमी कॉलन, देन ई कॉमा जी लेस देन एल। ओके, इस तरह से दिए हुए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए कितने एक्टिविटी है मेरे पास। एक्टिविटी है बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू लिख देनी मुझे इस तरह से। ये सीरीज में नहीं है, लाइक ए बी सी डी की तरह नहीं है। ओके ना, उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखना है आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी जो है आपका, एक्टिविटी ई और एफ ये डिपेंड करता है किस पे, बी पे। मतलब ये इसका प्रिडेसर है, किसका, ई और एफ का ये प्रिडेसर है। ओके, देन ये जो यहाँ पे जी एक्टिविटी जो है, ओके मैं एरो के साइड के ले रहा हूँ, एक्टिविटी जी डिपेंड करता है किस पे, सी कॉमा एफ पे। वैसे ही एल डिपेंड करता है मेरा किस पे, सी पे। उसी तरह मेरा एच डिपेंड करता है मेरा ई जी पे। उसी तरह मेरा आई डिपेंड करता है मेरा एच एल पे। ओके, देखिए यहाँ पे आप, उसी तरह मेरा जे डिपेंड करता है एच पे, एम डिपेंड करता है एल पे, एन डिपेंड करता है मेरा एच और एम पे, पी डिपेंड करता है मेरा आई और जे पे, क्यू डिपेंड करता है मेरा एन पे। देखिए एक बार मैं वापस बताता हूँ आपको, मैं कैसे मैंने लिखा। ये क्या दिया है, बी बी के ऊपर ई और एफ डिपेंड करते हैं। देखिए तुम लिख दिया यहाँ पे बी प्रेडेसर, ई और एफ डिपेंड करते हैं। सी और एफ पे क्या डिपेंड करता है, सी और एफ पे, ओके मतलब जो है एक्टिविटी जो आएगा आपका, एक्टिविटी अगर आपको करना है, एक्टिविटी सी एफ के ऊपर क्या डिपेंड करता है, जी। एक्टिविटी सी एफ के ऊपर डिपेंड करता है जी। उसी तरह एक्टिविटी एल के ऊपर डिपेंड करता है सी। एक्टिविटी ई जी के ऊपर डिपेंड करता है, ओके एक्टिविटी ई जी के ऊपर डिपेंड करता है एच। उसी तरह एक्टिविटी एच एल के ऊपर डिपेंड करता है आई। उसी तरह एक्टिविटी जे के ऊपर डिपेंड करता है एच। एक्टिविटी एल के ऊपर डिपेंड करता है एम। उसी तरह एक्टिविटी एच एम के ऊपर डिपेंड करता है एन। एक्टिविटी आई जे के ऊपर डिपेंड करता है पी। एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी क्यू जो है, जो एक्ट सॉरी एक्टिविटी एक्टिविटी क्यू एन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिविटी क्यू जो डिपेंड कर रहा है एन के ऊपर। ओके, तो इन शॉर्ट ये एक्टिविटी पहले आएंगे, बाद में ये एक्टिविटी आएंगी। ओके, दीज आर द प्रीडेसर, दीज आर द सक्सेसर एक्टिविटी। ओके, और इतनी सारी एक्टिविटीज है मेरे पास। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेटवर्किंग डायग्राम। ओके, आपको हमेशा क्या करना है, इसको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आपको करना है। ओके, और देखिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी जो है अभी सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा एक्टिविटी डायरेक्ट डिपेंड करती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज डायरेक्ट डिपेंड्स करती है। एक्टिविटी बी कहाँ पे आ रहा है, क्या किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी बी किधर से आ रहा है क्या, एक्टिविटी बी किसी का लाइक सक्सेसर है क्या, नहीं यहाँ पे किधर भी एक्टिविटी बी नहीं है। ओके, तो
एक्टिविटी बी डायरेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली एक्टिविटी सी देखिए, अभी यहाँ पे एक्टिविटी सी यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं, एक्टिविटी सी भी नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे लूंगा उसको ड्रॉ करूंगा, से बोलूंगा ये एक्टिविटी मेरा बी है। ओके, डायरेक्ट आ रहा है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्टिविटी सी। नाउ अभी देखिए, एक्टिविटी बी पे कोई डायरेक्ट आ रहा है क्या? डायरेक्ट नहीं, एक्टिविटी बी पे कोई डायरेक्ट आ रहा है क्या? नहीं, एक्टिविटी बी पे क्या आ रहा है? ई और एफ आ रहा है। क्या आ रहा है एक्टिविटी बी के ऊपर? ई एन एफ आ रहा है। एक्टिविटी सी के ऊपर कोई क्या क्या आ रहा है? एक्टिविटी सी और एफ मिला के जी आ रहा है, बट एक्टिविटी सी के ऊपर डायरेक्ट एल आ रहा है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिविटी है वो लिखा लूंगा, क्लोज करके ये एक्टिविटी बनेगा। ओके, एल आएगा डायरेक्ट। नाउ ये आने के बाद आपको पता है एक्टिविटी सी और एफ से क्या आने वाली? जी। एक्टिविटी ये रहा एफ और ये रहा सी, बट चेक कीजिए कि एक्टिविटी एफ एफ जो है वो किसी का डायरेक्ट प्रेडेसर तो नहीं है ना। देखिए एक्टिविटी एफ यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है क्या? ई जी एच एल आई जे एच एम? नहीं, नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको डमी एक्टिविटी बनाऊंगा, एरो ऐसा रहेगा, तो ये एक्टिविटी यहाँ पे क्लोज होगा। मतलब ई मतलब ये सॉरी सी और एफ से क्या आएगा? जी। क्या आएगा? सी और एफ से क्या आएगा? जी। मैं ऐसा जी लिखा लेता हूँ। ओके, लिखा दिया जी। नाउ उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्टिविटी ई जी हो गया। एच और एल, एच और एल पे से क्या आ रहा है? आ रहा है ये रहा। ओके सॉरी, ये भी है ना पहले ई और जी। ई और जी से क्या आ रहा है? एच आ रहा है। क्या आ रहा है? ई, ये रहा ई, ये रहा जी। पर चेक कीजिए कि जी किसी का डायरेक्ट डिपेंड है क्या? यहाँ पे सिंगल जी है क्या? नहीं है। सिंगल ई है क्या? नहीं, सिंगल ई भी नहीं। तो ई और जी को मैं क्लोज करूंगा। ओके, ये रहा ई, ये रहा जी, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ एरो यहाँ पे। वो क्लोज करके क्या आएगा यहाँ पे? एच। क्या आएगा यहाँ पे? आ गया एच। नाउ उसके बाद अभी एच और एल पे क्या आ रहा है? आई आ रहा है। ये रहा एच और ये रहा एल। ओके, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता हूँ, बट चेक कीजिए सबसे पहले कि एच के ऊपर कोई डायरेक्ट डिपेंडेंट है क्या, और साथ ही साथ एल के ऊपर कोई डायरेक्ट डिपेंडेंट है क्या? चेक कीजिए यहाँ पे। यस, ये मिल गया। देखिए एच के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट है जे, और कोई है क्या? हाँ, यहाँ पे भी दिख रहा है एच, बट देखेंगे बाद में, बट डायरेक्ट डिपेंडेंट एक ही है। तो क्या करूंगा, मैं इसको एच को क्लोज कर दूंगा और यहाँ से मैं लिखा लूंगा जे। सिमिलरली एल पे देखिए, यस ये भी दिख रहा है एल पे, एम ए, तो और कोई है क्या एल के ऊपर? नहीं, डायरेक्ट डिपेंडेंट, डायरेक्ट डिपेंडेंट, तो यहाँ पे मैंने एम निकाल दिया। ओके, एल पे क्या था? डायरेक्ट एम डिपेंडेंट था ना। अभी मुझे पता था कि एच और एल पे क्या आएगा? आ आएगा। तो ये रहा मेरा एच, ये रहा मेरा एल। तो यहाँ से एक डमी यहाँ से आएगा, एक डमी यहाँ से आएगा, सिंगल सिंगल दोनों ज्वाइंट होंगे, और वहां से आएगा बाहर आ। क्या आएगा वहां से बाहर? आ आएगा। ओके, तो डमी मिल गया। समझ रहे आपको ये क्या बता रहा हूँ मैं? ओके, ये थोड़ा टाइम लगता समझने में, 2-3 बार वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, इसकी पिछले वाली वीडियो देखिए। ओके, अच्छे समझेगा आपको ना। उसके बाद देखिए ये हो गया, दर एच और एम से क्या आ रहा है? एन आ रहा है। ये रहा एच, ये रहा एम, बट एच ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ओके, इसका डमी मैंने निकाल लिया है, तो क्या करूंगा मैं, और एक बार डमी निकाल लूंगा, चल सकता है डमी और एक बार चल सकता है। ओके, पर सिंगल वॉल है, सिंगल वॉल के ऊपर 10 फ्रेम लगाओ, 4 फ्रेम लगाओ, 1 फ्रेम लगाओ, कितने फ्रेम लगाओ, क्या दीवार तो बन चुका है। ओके, फ्रेम लगाना, बस एक्टिविटी करना है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। अभी चेक करना है कि एम पे कोई डिपेंड करता है डायरेक्ट क्या? नहीं, देखिए यहाँ पे एम पे कोई डिपेंड करता है क्या? नहीं, एम पे कोई डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ से जिसको आगे खींचूंगा सिंप्लिसिटी के लिए। ओके, यहाँ से एक, ओके रेड पेन यूज करते हो डमी के लिए, तो जस्ट ये डमी एक्टिविटी यहाँ से, ओके क्रॉस ओवर करके डमी एक्टिविटी मैंने गिराया एच का, और यहाँ पे इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद क्या आएगा यहाँ से? एक्टिविटी एन बार आएगी। क्या आएगी? एक्टिविटी एन बार आएगी। नाउ ये हो गया यहाँ तक। नाउ आई और जे पे क्या डिपेंड करता है? आई और जे पे पी डिपेंड करता है। ओके, खत्म होने को आया है। देखिए आई और जे पे, ये रहा आई और ये रहा जे। तो यहाँ पे काम कीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए, ये होगा आपका आई, ये होगा जे। ओके, इसलिए बोलता है पेंसिल यूज करने का, आई और जे से क्या डिपेंड करता है? पी। यहां से लेके आइए पी। नाउ क्यू पे क्या डिपेंड कर रहा है? सॉरी, क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है?
एन के ऊपर, तो ये रहा क्योंकि ज्वाइंट खत्म हो रहा है तो यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दीजिए, तो ये होगा आपका क्यू, ये होगा एन, दोनों एक्टिविटी जो एन में जितनी भी एक्टिविटी रहेंगी क्लोज कर देना उसको, तो एंड में क्या था, पी ओपन था और क्यू ओपन था, दोनों को क्लोज कर दिया, तो ये हो गया आपका नेटवर्क बन गया यहाँ पे अच्छे से, तो ये रहा आपका नेटवर्क डायग्राम, तो यहाँ पे बोलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके 12 यहाँ पे नंबर आएंगे। अगर आपका उसको देखना है सिंपल डायग्राम जो सा कैसे बनेगा, ओके आपके आपको फेयर करना है इसको, ओके फेयर भी करना रहता है इसको आपको, तो देखिए कैसे बनेगा फेयर ये, ओके बी सी से 1, से 2, से 3, ओके से ई, ओके से एफ, से 4, ओके नंबर कुछ भी दो फर्क नहीं पड़ता, ओके जी, डमी एक्टिविटी, ओके सिक्स, एच 7, एट आई सेम, नाइन एन, 11 से क्यू, यहाँ से 10, ये होगा जे, यहाँ से पी, यहाँ पे 12, ये होगा आपका फेयर डायग्राम ऑफ द नेटवर्क। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।